Hello student, myself Varsha Miss. I am drawing teacher of 3rd standard. If you don't have drawing book, don't worry. You can use any notebook, one pencil, rubber, one sketch pen or black pen and colors. See, today our topic is air balloon. Let's start. हमें ये एयर बलून ड्रॉ करना है. ये अभी आपको देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन मैं इजीली स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ करना है आपको सिखाऊंगी. आपको मेरे से ड्रॉ करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. पहले आपकी नोटबुक की साइज के हिसाब से आपको तय करना है कि आपको कितना एयर बलून ड्रॉ करना है. हमें बिग पिक्चर ड्रॉ करना है, इतना सा नहीं ड्रॉ करना है. सो पहले जितना आपको लंबा बलून ड्रॉ करना है वहां टिक करके ले लो कि हमें इतना बड़ा बलून ड्रॉ करना है. फिर हमें ये राउंड, ये सर्कल, ये इतना बड़ा सर्कल चाहिए, वो कितना करना है बराबर इसके नीचे यहाँ टिक करो. फिर हमें राउंड करना है. आप डायरेक्ट इतना बड़ा राउंड प्रैक्टिस की है तो कर सकते हो, नहीं की है तो प्रॉब्लम आएगा. इसके लिए सामने सामने दो टिक करके रखो. फिर आपको सी यहाँ हमें जॉइन नहीं करना है सर्कल, हमें इधर गैप रखनी है. इसके लिए इसके दोनों बाजू में इतना हमें गैप रखना है, ऐसे करो. फिर हमें यहाँ से सीधा यहाँ जॉइन करके सी निकालना है, सीधा सी, फिर उल्टा सी. ऐसे और फिर ऐसे बिना रुके हमें ऐसे करना है. ये देखो हो गए. फिर यहां से हमें थोड़ा ऐसे नीचे जाना है और ये जॉइन करना है ऐसे. ये हमारा ऊपर का बलून हो गया. अभी हमें क्या करना है, नीचे की स्ट्रिप करनी. तो यही बलून की लाइन से हमें सीधा क्रॉस जाना है और फिर नीचे से थोड़ा सा सीधा जाना है. इसी की लाइन से यहां से ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, इसी के ऊपर से आपको जाके ऐसे आना है और ऐसे नीचे जाना है. थोड़ा सा कर्व लाइन करके इसको जॉइन करना है. थोड़ी ऊपर और एक कर्व लाइन, यहाँ पे आप ऐसे कर्व लाइन कर सकते हो. मैंने आपको लाइंस की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था ना, ये यहाँ काम आएगी. इसके बीच में आपको कोई डिजाइन करनी है तो कर सकते हो, या आप ऐसे भी रख सकते हो, या कोई भी ऐसे डिजाइन कर सकते हो. इसके बीच में अगर आपको ये डिजाइन ड्रॉ करनी है तो ये कर सकते हो. आप तो स्मार्ट हो, आप और कोई डिजाइन करनी है तो वो भी कर सकते हो. और सिंपल से डिजाइन करनी है तो वापस हम लोग जो डिस्टेंस छोड़ के लाइंस की प्रैक्टिस की थी उसका हम यहाँ यूज कर सकते हैं ऐसे. और इसमें आप आपकी मर्जी के कलर्स भर सकते हैं और कलरफुल एयर बलून दिखा सकते हैं. यहाँ एक गर्ल ड्रॉ करनी है, अगर आती है तो करो, नहीं की तो भी चलेगा. उसके लिए भी कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. दोनों साइड में ऐसे छोटे छोटे कर्व करना है, सर्कल्स करने हैं. फिर ऊपर ऐसे बाल बना के ऐसे गोल करना है और फिर दोनों आईज और उसका मुंह दिखाना है आपको, बस कि उसके अंदर लड़की खड़ी है. हो गया अपना एयर बलून. देखा कितना इजी है. अभी एयर बलून कहाँ होता है, हवा में होता है, हवा में होता है. तो हमें साइड में छोटे छोटे क्लाउड्स करने हैं, या अगर आपको कोई बर्ड ड्रॉ करना आता है तो आप बर्ड भी ड्रॉ कर सकते हो, या चार ऐसे क्लाउड्स भी ड्रॉ कर सकते हो. मैंने बर्ड भी आपको सीनरी में सिखाए थे, ऐसे वाले थोड़े से ऐसे बड़े 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 बर्ड्स ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. कुछ भी तुम लोगों को जो पसंद है वो साइड में कर सकते हो. ये हो गया हमारा एयर बलून रेडी. ये अपना फर्स्ट डे है, फर्स्ट ड्राइंग लेक्चर है, इसलिए मैंने इतना इजी बताया था. अभी मैं आपको ये ड्राइंग भी दिखाती हूँ करके, आप ये भी कर सकते हो. सी पहले छोटा सा सर्कल करना है, फिर बराबर थ्री, फिर थोड़ा डिस्टेंस के बाद
ऐसे करना है, थोड़ा बड़ा सा गैप छोड़ना है, फिर ट्रायंगल करना है, क्रॉस लाइन क्रॉस लाइन क्रॉस लाइन क्रॉस लाइन क्रॉस लाइन, ओके। फिर यहाँ पे ऐसे सर्कल, और आपको याद ही होगा कि मैंने आपको लास्ट ईयर ही सिखाया था पेंसिल यहाँ पकड़नी है, और क्यों पकड़नी है, ताकि हम लोग लाइट ड्रॉ करें। ये आपको जितना इजी लगता है फर्स्ट इसमें आएगा नहीं आएगा, सो रफ करोगे तो वो रफ पूरा जाना चाहिए, इसलिए लाइटली ड्रॉ करो। और पूरा ड्रॉ होने के बाद मैंने आपको ब्लैक स्केच पेन और ब्लैक पेन इसीलिए बोला था, उससे आपको फिर उसको डार्क करना है। और अगर आपके पास अभी नहीं है तो पेंसिल से बाद में डार्क करना, लेकिन ड्रॉ करते वक्त डार्क नहीं ड्रॉ करना है, लाइटली ड्रॉ करना है। और फिर उसको डार्क करके आपके पास जो भी कलर्स होंगे उससे आपके मनपसंद कलर से कलर करना। कलर कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिखाया है लास्ट ईयर। यहाँ आपको स्लिपिंग लाइन में कलर करना है, इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हो, यहाँ इसमें पूरे में स्लिपिंग लाइन में ही कलर करना है, इसमें आप क्रॉस में कर सकते हो, इधर बीच में आपको कलर बिल्कुल नहीं करना है, ये पोर्शन आपको खाली छोड़ना है। ये स्काई है, जो बैकग्राउंड में कलर है वही इधर आएगा, सो इधर व्हाइट ही छोड़ना है। हम लोग इधर भी कलर नहीं करेंगे और इधर भी कलर नहीं करेंगे, वापस इसमें आपको जो कलर्स करने हैं कर सकते हो, और गर्ल को भी। समझ में आया? सो आप करेंगे ना प्रैक्टिस, और ये ड्रॉइंग करके रख देना, बाद में जब स्कूल चालू हो जाएगा तभी आप मुझे दिखा लेना। ओके बाय।